हेलो दोस्तों, वेलकम टू अदितिस मॉम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मेरा एक फ्री गिफ्ट मुझे मिला था उसके बारे में शेयर करने वाली हूँ, और वो है मेकअप ब्रश। ये कुछ 3 ब्रश मुझे लैक्मी का, मैंने कुछ प्रोडक्ट जो है ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तब मुझे 1800 का मैंने परचेज किया हुआ था, तो उसमें मुझे ये वाला 3 ब्रश जो है सेट में फ्री में आया था। और मैंने इसको यूज किया है, काफी अच्छा मुझे महसूस हुआ, और आई थिंक कि ये अभी ऑनलाइन में भी बहुत इजीली अवेलेबल है। तो ये देखिए, इसका ब्रिसल्स जो है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा, बहुत ही स्मूथ है और निकलता भी नहीं है। मैंने इसको काफ़ी टाइम धो भी लिया है, और इसमें 3 सेट में मुझे मिला है। एक पाउडर ब्रश मिला है, एक आई शेडो ब्रश मिला है, और एक है जो लिप ब्रश मिला है। बट ये आप चाहे तो आपका आई शेडो में भी या यूज कर सकते हैं इसको भी, और ये आप अपना ब्लश में भी यूज कर सकते हैं। ये पाउडर के लिए है, तो आप चाहें तो किसी को भी किसी के हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो मैंने इसका यूज किया हुआ है, और अभी भी मैं आपको इसको यूज करके दिखा देती हूँ। अपना जो पैलेट है ना, वही लैक्मे एब्सोल्यूट का फेशियल पैलेट, जो मैंने अभी भी इसका रिव्यू भी डाला हुआ था। और ये देखिए, अभी मैं इसका जो ब्लश है वही लेकर के यूज करके दिखाती हूँ आपको। और ये देखिए, बहुत इजीली और बहुत ही स्मूथ लगता है ये। जब भी अप्लाई हम कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा स्मूथ लग रहा है और इजीली हो जाता है। बट ये जो पफ है ना, मतलब इसका जो पाउडर ब्रश है, इसको आप एक्स्ट्रा अगर आपके फेस पे कुछ लग गया है तो उसको आप रिमूव करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं डेफिनेटली। बट ऐसे ही अगर आप परफेक्टली इसको अगर ऐसे ब्लश के लिए यूज करेंगे तो नहीं होगा। पूरा फेस में इसको झाड़ने के लिए या फिर पूरा फेस में हाई जैसे लूज पाउडर आप अप्लाई करते हो कुछ वो सब यूज करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। अदरवाइज ये और कुछ काम के लिए नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ा है, फ्लॉपी है। एंड ये देखिए, अगर हम इसको अप्लाई करें तो मैं अपना आई शेडो पैलेट से ही इसका कुछ लेकर के आई शेडो में अप्लाई करके दिखाती हूँ आपको। और अभी मैं ये पर्पल कलर का ले रही हूँ ताकि मेरा जो सूट के साथ है वो अच्छे से अप्लाई करें। और ये जो पैलेट है ना, इसका भी रिव्यू मैंने डाला हुआ है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसका पाउडर भी जो है ये देखिए आता है और निकल भी जाता है, इतना अच्छा मुझे नहीं लगता है, मैं रेकमेंड भी नहीं करूंगी आपको। और आप ये देख सकते हो, कलर इसका बहुत अच्छा आता है, और ये जो ब्रश है इसमें भी बहुत ईजिली ये ब्लेंड हो रहा है, तो आप ये देख सकते हैं। देखिए, बहुत इजीली कलर जो है वो लग गया, और ब्रश बहुत अच्छे से यूज किया जा रहा है, फ्री में मिला है, बट बहुत अच्छा है दोस्तों। मुझे जेन्युइनली, मैं मुझे इसका प्राइस भी नहीं पता है क्योंकि मैंने इसको ऑनलाइन सर्च भी किया था, बट मुझे ये 3 पीस वाला सेट तो नहीं दिखा। अगर मुझे मिलेगा तो मैं डेफिनेटली उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। और अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा शिमर सा लुक भी देना चाहूंगी। और ये रॉयल का मैं ले रही हूँ, बट अब देख रहे हो इतना पता नहीं चल रहा है। अच्छे अच्छे वाले क्वांटिटी में अगर आप यूज करेंगे तो ही ये आपको अच्छा दिखेगा, पता चलेगा। और मैंने ये वही आई शेडो ब्रश से ही यूज कर रही हूँ, बट अब देख रहे हो इतना अच्छे से नहीं हो पा रहा है सिमर वाला। और ये मैं ली हूँ एलोर का, और आप ये देख सकते हो बहुत ही हल्का हल्का ये सिमर लुक आ रहा है, बट पर्पल कलर बहुत ही टिंट निकल के आया है। तो आप लोगों को ये कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। अब हम चलते हैं कोई भी एक लिप कलर, हमने ये दोनों ब्रश का डेमो देख लिया है, अभी हम चलते हैं ये वाला जो हम लोग का लिप ब्रश है, और कोई भी एक लिप कलर मैं ले लेती हूँ। एक सेकेंड रुकिए,
और हाँ जी, तो मैं अभी अपना कोई एक लिपस्टिक निकाल लेती हूँ। ओके, एक सेकेंड दोस्तों, बस एक कोई भी लिपस्टिक निकाल लेती हूँ। हाँ जी, अब ये देखिए, मैं अभी यही लैक्मे का ही लिप कलर लेकर के आई हूँ, और ये मेरे पास है लैक्मे एब्सोल्यूट का, और इसका शेड है रेड, हाँ रेड ब्लास्ट। और मैं इसको अभी अप्लाई, इसको मैं ऑलरेडी अप्लाई की हूँ, मैं दूसरा कलर ही ट्राई करती हूँ, बिकॉज आपको नहीं तो पता नहीं चलेगा। नहीं तो एक काम करती हूँ, मैं इसको रिमूव ही कर लेती हूँ, एंड देन मैं आपको कोई भी एक कलर अच्छे से लगा करके दिखाती हूँ, तब जाके आपको अच्छे से पता चलेगा कि इसका क्या है क्या नहीं। एंड मैं अभी ये कलर चूज की हूँ, ये वाला मेरा शेड जो है वो मैं बता देती हूँ, 302 रेड रेवल, ये वाला भी मैं लगाऊंगी। और इससे पहले अपना जो लिपस्टिक है उसको मैं निकाल लेती हूँ, ताकि आपको अच्छे से पता चले कि ये ब्रश की सहायता से आप अच्छे से लगा सकते हो कि नहीं। और मैंने यहाँ पे रिमूव के लिए क्लिंजिंग मिल्क लिया हुआ है, बहुत इजीली ये रिमूव कर देता है। अगर आपका वाटरप्रूफ लिपस्टिक भी क्यों ना हो, मेकअप भी क्यों ना हो, ज्यादा घिसना नहीं पड़ता है, इस वजह से मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है। आगे देखिए, अभी हम इसको लगाएंगे, और ये मैं ब्रश की सहायता से लगा रही हूँ। मैंने शेड ऑलरेडी बता दिया है, और एक बार बता देती हूँ, ये है 302 रेड एक्सट्रीम लैक्मे एब्सोल्यूट का, और आप ये लिप ब्रश की माया से। मैं एक साइड में अप्लाई कर रही हूँ, दूसरी साइड में डायरेक्ट लिपस्टिक अप्लाई करके दिखाऊंगी। ताकि आपको अच्छे से पता चले, और देखिए मैं बिल्कुल ले रही हूँ। और ये बहुत ज्यादा, थोड़ा सा अभी मैं डायरेक्ट इस साइड से अप्लाई कर रही हूँ, देखिए। और आप देख सकते हैं डिफरेंस, ब्रश से अप्लाई की हूँ और ये लिप से, तो डिफरेंस आप देख सकते हैं, ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब इसका कलर जो है वो खिल के आ रहा है। आप ये देख सकते हैं, ये खिल के आया ये वाला कलर, और इस वजह से मुझे ये जो ब्रश है ना लिपस्टिक वाला, वो लिप का ब्रश जो है वो मैं आप लोग को रेकमेंड करूंगी। आप इसको, इससे लिप्स का कलर मत चूज करिए, मत लगाइए। आप इससे चाहें तो अपना जो है आई शेडो भी इससे यूज कर सकते हैं, या फिर कंटूर का लाइन जो है उससे ड्रॉ कर सकते हैं आप, तो उसी के लिए इसका यूज करिए। बाकी आप, बाकी जो दो ब्रश है वो परफेक्टली अपना काम कर रहा है। सबसे ज्यादा तो ये वाला जो आपका हाइलाइटर है, हाइलाइटर या फिर आप आई शेडो का ब्रश हम बोलेंगे, ये वाला बहुत अच्छे से काम करता है। तो डेफिनेटली दोस्तों, ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और दोस्तों, अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगी, अगर मिलेगा तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप चाहें तो इसको एक बार बाय कर सकते हैं। एंड इसका मुझे प्राइस लगता है कि वही अराउंड 200 to 250 के अंदर आ जाना चाहिए, ज्यादा प्राइस नहीं होना चाहिए, इतना भी आई थिंक नहीं होना चाहिए, 200 to 250 के अंदर आ जाना चाहिए। देखते हैं, अगर मिलेगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। तो ठीक है दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं कोई एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।